अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको लून मिर्ची किचन में यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। हम आलू के शामी कबाब बनाएंगे। आधा किलो आलू लेके उनको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। अब हम डालेंगे मसाले। काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डाल देंगे 3 टेबलस्पून, और 4 हम डालेंगे चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। 1 दरमियाना साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा ओरिगानो, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ओरिगानो डाला है मैंने, और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा डालेंगे हाथ पे मल के, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकल आए। हाथ पे मल के डालेंगे और मिक्स करके इसके हम तैयार करते हैं शामी कबाब। इतने मज़े के कबाब बनते हैं आलू के, आप एक बार बना के देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके आलू के कबाब कैसे बने। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। आधा किलो में माशाल्लाह इतने ज़्यादा कबाब बन जाते हैं। इसी तरह मैं तमाम के तमाम बना लूँगी। देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट के लिए हम अब इनको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। एक अंडा लिया है मैंने, 2 चुटकी मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। अब हम इसको फेंट लेंगे। अंडा हमारा बीट हो गया है। तवे पे हम डालेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो हम डालते हैं इसके ऊपर आलू के कबाब। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके कबाब डाल देंगे। जितनी स्पेस है आपके तवे पे आप उतने डालें। जब इनकी एक साइड हो जाएगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। मैं तकरीबन जितनी भी वीडियो बनाती हूँ घर के मसालों से बनाती हूँ, ताकि हर कोई आसानी से बना सके। ज़ीरा धनिया पाउडर मैंने कई बार बताया है, जब भी मैं डालती हूँ ज़ीरे और धनियों को पहले मैं तवे पे भून लेती हूँ, फिर उसको पीस के डालती हूँ। इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। देखिए माशाल्लाह से दोनों साइडें हो गई हैं। अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह मैं तमाम के तमाम कबाब निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से झटपट हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। खाएं, इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।